हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश परफेक्शन इन टू वीडियो वी आर कवरिंग सम इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स वी आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स सो डोंट मिस एनी स्ट्रक्चर बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कभी कभार हम कभी कभार बाहर खाते हैं मैं कभी कभार चाय पीती हूँ हम कभी कभार पार्क जाते हैं कभी कभार के लिए हम यूज़ करते हैं वंस इन अ वाइल का हम कभी कभार बाहर खाते हैं वी ईट आउटसाइड वंस इन अ वाइल्ड सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है और उसके बाद लिखना है वंस इन अ वाइल दैट विल बी सेम इन ऑल सेंटेंसेस मैं कभी कभार चाय पीती हूँ आई टेक टी वंस इन अ वाइल हम कभी कभार पार्क जाते हैं वी गो टू पार्क वंस इन अ वाइल्ड तो इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आपको यूज़ करना है वंस इन अ वाइल्ड का नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ नाम का तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है वह सिर्फ नाम का वकील है नाम का के लिए हम यूज़ करते हैं सो so कोल्ड का तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो यू आर जस्ट सो कोल्ड फ्रेंड यू आर जस्ट सो कोल्ड फ्रेंड वह सिर्फ़ नाम का डॉक्टर है ही इज़ जस्ट सो कोल्ड डॉक्टर ही इज़ जस्ट सो कोल्ड डॉक्टर वह सिर्फ़ नाम का वकील है ही इज़ जस्ट सो कोल्ड लोअर तो इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं नाम का के लिए आपको यूज़ करना है सो so कोल्ड का नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ सरासर यह सरासर गलत है यह सरासर ना इंसाफ़ी है वह सरासर झूठ बोल रहा है सरासर के लिए हम यूज़ करते हैं अटरली का यह सरासर गलत है दिस इज़ अटर् रोंग दिस इज़ अटरली रोंग यह सरासर ना इंसाफ़ी है दिस इज़ अटर् इनजस्टिस दिस इज़ अटरली इनजस्टिस वह सरासर झूठ बोल रहा है ही इज़ अटर्ली टेलिंग लाई तो इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सरासर के लिए आपको यूज़ करना है अटर्ली का नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ढंग से ढंग से बात करो ढंग से पढ़ाई करो ढंग से खाओ तो जब भी हमें बोलना हो ढंग से ये काम करो तो हम तो हम यूज़ करेंगे इन अ मैनर का ढंग से बात करो टॉक इन अ मैनर ढंग से पढ़ाई करो स्टडी इन अ मैनर ढंग से खाओ ईट इन अ मैनर तो इसी तरह से आप ढंग से वाले सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आपको यूज़ करना है इन अ मैनर का दैट विल बी सेम इन ऑल सेंटेंसेस नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ मुझे क्या पता था मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगा मुझे क्या पता था कि तुम बुरा मान जाओगे मुझे क्या पता था के लिए हम यूज़ करते हैं लिटल डिड आई नो का मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगा लिटल डिड आई नो दैट ही वुड नोट कम लिटल डिड आई नो दैट ही वुड नोट कम सबसे पहले हमें लिखना है लिटल डिड आई नो उसके बाद दैट लगा कर सेंटेंस लिखना है मुझे क्या पता था कि तुम बुरा मान जाओगे लिटल डिड आई नो दैट यू वुड गेट ऑफेंडिड तो इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं मुझे क्या पता था के लिए आपको यूज़ करना है लिटल डिड आई नो का दैट विल बी सेम इन ऑल सेंटेंसेस ऑल राइट नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ कभी बेकार न जाना नेवर गोज़ इन वेन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती हुनर कभी बेकार नहीं जाता पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नेवर गोज़ इन वेन का मेहनत कभी बेकार नहीं जाती हार्डवर्क नेवर गोज़ इन वेन हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन हुनर कभी बेकार नहीं जाता टैलेंट नेवर गोज इन वेन टैलेंट नेवर गोज इन वेन पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती स्टडी नेवर गोज इन वेन स्टडी नेवर गोज इन वेन तो जब भी आपको बोलना हो कभी बेकार ना जाना देन यूज़ दिस स्ट्रक्चर नेवर गोज़ इन वेन दैट विल बी सेम इन ऑल सेंटेंसेस नेक्स्ट इज़ अब और नहीं मैं अब और नहीं खा सकता मैं अब और नहीं पढ़ सकता मैं अब और नहीं चल सकता इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में अब और नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नोट एनी मोर का मैं अब और नहीं खा सकता आई कांट ईट एनी मोर आई कांट ईट एनी मोर मैं अब और नहीं पढ़ सकता आई कांट स्टडी एनी मोर आई कांट स्टडी एनी मोर मैं अब और नहीं चल सकता आई कांट वॉक एनी मोर आई कांट वॉक एनी मोर तो इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी बोलना हो आपको अब और नहीं देन यूज दिस स्ट्रक्चर नॉट एनी मोर इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम देन प्लीज़ फॉलो थैंक यू फॉर वॉचिंग